मारीना संदेश राय। स्वागत है आपका मारीना संदेश लाइव में, मैं उफाद काजमी और आप देख रहे हैं देश का तेजी से बढ़ता यूट्यूब चैनल। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर से महताब आलम की रिपोर्ट है। बताते चले आपको कि कोटेदार की दबंगई से परेशान ग्राम प्रधान व ग्रामीण उतरे सड़क पर। खबर गाजीपुर से, जहां भाजपा सरकार जिस तरह से सत्ता में आई तो लोगों को लगा कि अब यूपी में गुंडा राज भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका उल्टा ही हो गया। आए दिन राशन कार्ड व राशन वितरण घोटाले के मामले को लेकर भाजपा सरकार आजकल खूब चर्चा में है। सरकार की भ्रष्टाचार के दावों की पोल उनके विभागीय अफसर व कोटेदारों ने खोल कर रख दी है। ऐसा ही एक मामला गाजीपुर जिले के जगदीशपुर गांव का है, जहां राशन कार्ड व राशन वितरण के मामले में ग्रामीणों ने कोटेदार पर लंबे घोटाले का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि कोटेदार राशन लेने गए लोगों से अभद्र व्यवहार तथा दबंगई दिखाता है। जब लोग विरोध करते हैं तो कोटेदार अभद्र व्यवहार और उन्हें फर्जी मुकदमे में फंसाने की बात कहता है। लोगों के 6 महीने के राशन व मिट्टी का तेल विभागीय अधिकारी द्वारा मिलकर डकार गया, ऐसा आरोप है। लोगों से मिट्टी का तेल राशन से में पैसे बढ़ा कर लेता है, यानी राशन के दुगने पैसे लोगों से वसूला जाता है। लोगों के अंगूठे लगवाकर किसी के 3 महीने तो किसी के 6 महीने का राशन मिट्टी का तेल अभी तक नहीं दिया गया। जब लोग अपने राशन लेने के लिए कोटेदार के पास जाते हैं तो कोई ना कोई बहाना बनाकर उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। यही नहीं, लोगों के साथ अभद्रता व दबंगई भी दिखाया जाता है। गांव के लोग विभागीय अधिकारियों से गुहार लगाकर थक गए हैं। कोटेदार के खिलाफ कई बार लोगों ने SDM को पत्र सौंपा, लेकिन अब तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि विभागीय अधिकारी कई बार आए और जांच में अनियमितता भी पाए, लेकिन कोटेदार उनके जेब गर्म कर देता है तो कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इससे साफ जाहिर होता है कि आपूर्ति विभाग इंस्पेक्टर, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी और जिला पूर्ति अधिकारी के मिलीभगत से कोटेदार घोटाला करते हैं। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र यादव ने कहा कि लोगों से राशन कार्ड बनवाने के नाम पर 10 रुपए के बजाय 200 रुपए तो किसी से 300 रुपए भी वसूले जा रहे हैं। मिट्टी के तेल 30 रुपए के बजाय 40 रुपए में दिया जा रहा है। प्रधान प्रतिनिधि रविंद्र यादव ने इसकी शिकायत SDM से भी की थी, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई दबंग कोटेदार पर। अधिकारी कोटेदार की जांच करते हैं और अनियमितता पाए जाने पर अपने जेब गर्म करके चले जाते हैं। ग्रामीणों को आश्वासन देते हैं कि जल्द ही कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। प्रधान संघ ग्रामीणों ने कहा कि कोटेदार का कोटा अगर निरस्त नहीं किया गया तो हम लोग जिला मुख्यालय SDM का घेराव करेंगे, साथ ही राशन का भी बहिष्कार करेंगे। अब देखने वाली बात यह होगी कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई कब तक किया जाता है। आगे हम आपको दिखाएंगे कि ग्राम प्रतिनिधि रविंदर यादव, पीड़िता विमला देवी एवं कोटेदार से पीड़ित लोगों ने क्या कहा, आइए वीडियो में देखते हैं। कार्ड में कितना ले मैंने? अरे कितना था, 100 रुपया ले, 150 से 200 जैसे ही लहान हो जा। अच्छा, तेल वेल भी ना मिले? नहीं, ये को ठोक नहीं। अच्छा, रेट वोट भी बढ़ा पर आप लोग आरोप पर विरोध ना की नहीं? अब हम तो कॉल के काम कर अधिकारी अइला, अधिकारी के सरकार में कहेला। दिनांक 19/7/2019 को ADM महोदय के यहाँ एप्लीकेशन दिया गया था। मेरे साथ कम से 50 से 60 एप्लीकेशन देने के बाद ADM महोदय ने हमसे बताया था कि आपकी जांच किया जाएगा, गांव में जो राशन नहीं मिला उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 25 तारीख को हमारे आपूर्ति निरीक्षक साहब और अन्य कर्मचारी यहाँ आए थे
कम से कम 50 से 60 लोगों की भीड़ थी यहाँ पर। सबसे बयान लिया गया, बयान लेने के बाद और वीडियो भी बना था। वीडियो में ये कहा गया था, हर लोगों से बयान लिया गया था। बयान में ये हुआ था कि जो राशन कार्ड 10 रुपया मूल्य है उसका 100 रुपया किसी से 200 रुपये देता है, उसके बजाय मिट्टी का जो तेल है 37 रुपये के बजाय 40 रुपये देता है। उसके बाद राशन की जो तौल होती है उसमें 20 kg पर 2 kg कम हो जाता है, जिसकी शिकायत है। और जो गवर्नमेंट मतलब सरकारी कागज है उस पर जो फर्जी मोहर लगा कर जमा करता है, इसकी भी शिकायत की गई थी। अभी तक रिपोर्ट नहीं मिली है, मैं DM साहब को बता दिया गया हूँ। अंगूठा लगा लेता है और राशन नहीं देता है, और चारहाली से हमारा अंगूठा लगवाया, कहता है कि अगली बार देंगे पिछली बार देंगे, रंगबाजी से अपना बेच देता है, हम लोग के देता नहीं है, खाली दौड़ता है। कौन है आपके गांव में कुटवा? ये कुटदार हुई सुखिया देवी, कहते हैं। फिर कहता है कि बाद में आकर ले जाना, फिर बाद में जाते हैं तो देता नहीं है, कहता है खत्म हो गया, अगला महीना में लेना, पिछला महीना मिला, इसी कहते 6 महीना बिता दिया। अधिकारी 2-2, 3-3 बार आए, फिर यही एक रुपया के चले गए, पैसा नहीं, घूस लेकर गए कि क्या करके गए, कुछ पता नहीं चला, आज तक कुछ पता नहीं चला, कोई नहीं। खबरें पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और इस तरह हमारी खबरों का ताज़ा अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल मारीना संदेश लाइव को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन दबाना ना भूलें।